सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज मैं आप लोगों को सैमसंग के एक ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आप लोगों को पॉपअप सेल्फी कैमरा का सेटअप यहां पर देखने को मिल सकता है। 2019 में जब सैमसंग अपने फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया था सैमसंग का S10 सीरीज, उसके बाद सभी लोग बातें कर रहे थे कि भाई 2019 तो पॉपअप सेल्फी कैमरा का ज़माना होने वाला है, लेकिन सैमसंग उस टाइम अपने फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन में आप लोगों को पंच होल डिस्प्ले दिया। पॉपअप कैमरा का जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी कम रहता है और वो लंबे समय तक लास्टिंग यहाँ पर नहीं करता है, क्योंकि देखिए बार बार वो कैमरा ऊपर जाता है तो धूल मिट्टी, इंडिया में आप लोगों को पता है कितना ज़्यादा पोल्यूशन है, तो उसी के कारण जो अप डाउन होता है वहाँ पर उसको दिक्कत आना स्टार्ट यहाँ पर हो जाता है। जो लोग लंबे समय तक अपने स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर उनको दिक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता था। तो 2019 तो चलिए भाई पॉपअप कैमरा का ज़माना रहा, लेकिन 2020 में सभी कंपनी अपने फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन हो चाहे अपने मिड रेंज स्मार्टफोन हो सैमसंग की राह में चला और आप लोगों को सभी में पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। तो सैमसंग 2019 में सही था क्योंकि वो अपने फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन में पंच होल डिस्प्ले दिया, यहाँ तक कि 2020 में भी सैमसंग के फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन में आप लोगों को पंच होल डिस्प्ले मिला। लेकिन अब जो रिपोर्ट निकल के सामने आ रहा है, अब एक नया सैमसंग का स्मार्टफोन का 360 वीडियो रेंडर यहां पर निकल के सामने आया है और अब बताया जा रहा है कि जो सैमसंग का ये स्मार्टफोन आएगा यहां पर आप लोगों को पॉपअप सेल्फी कैमरा का सेटअप देखने को मिलने वाला है। हालांकि अभी तक इस स्मार्टफोन का नाम कन्फर्म नहीं है कि सैमसंग इस स्मार्टफोन का क्या नाम रखेगा, तो ये एक बेसिकली बताया जा रहा है कि एक मिड रेंज स्मार्टफोन यहाँ पर होने वाला है जो कि सैमसंग बहुत ही जल्द यहाँ पर लॉन्च करेगा। बैक साइड में आप लोगों को ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिखाया जा रहा है, उसी के बगल में आप लोगों को फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले अच्छा है, बेजल्स थोड़े नीचे में है, तो यही है कि एक मिड रेंज स्मार्टफोन है सैमसंग का जिसमें आप लोगों को पॉपअप सेल्फी कैमरा का सेटअप देखने को मिल रहा है। कुछ रिपोर्ट ये कह रही है कि यह स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A61 है। सैमसंग गैलेक्सी A61 अगर ये स्मार्टफोन है तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन रीब्रांड होकर इंडिया में आएगा सैमसंग गैलेक्सी M41, ये बात भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। हालांकि कुछ स्पेस यहाँ पर निकल के सामने नहीं आया है, बस पॉपअप कैमरा मिल रहा है और सैमसंग का ब्रांडिंग है और कुछ डिज़ाइन यहाँ पर निकल के सामने आया है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या आप लोग 2020 में पॉपअप कैमरा वाले स्मार्टफोन बाय करने में इंटरेस्ट है? क्या आप लोगों को यह सैमसंग का मिस्टीरियस स्मार्टफोन पसंद आएगा? क्योंकि पॉपअप कैमरा का ज़माना शायद अब जाने ही वाला है, क्योंकि देखिए 2019 तो चल आया था, कुछ फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन में आपको मिला पॉपअप कैमरा जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा भी था, और जो फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन है जिस तरह से वन प्लस का 7 सीरीज में आप लोगों को पॉपअप कैमरा का सेटअप मिला, तो फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन की जो पॉपअप कैमरा की ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी थी। लेकिन जो मिड रेंज में पॉपअप कैमरा का सेटअप मिलता है वो लंबे समय तक नहीं चलता है, तो इसलिए अब क्या सैमसंग पॉपअप कैमरा ला रहा है और देखते हैं कि ये स्मार्टफोन कैसा होता है। हालांकि एक्साइटमेंट तो है, अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि यह स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A80 का सक्सेसर बन के आएगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं सैमसंग गैलेक्सी A80 में आप लोगों को रोटेटिंग कैमरा का सेटअप मिला था, जो कि सैमसंग का पहला स्मार्टफोन था जिसमें आप लोगों को रोटेटिंग कैमरा का सेटअप मिला था। सैमसंग गैलेक्सी A80 में आप लोगों को रोटेटिंग कैमरा का सेटअप मिला था, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को पॉपअप कैमरा मिलेगा, तो ये सैमसंग का पहला पॉपअप कैमरा वाला स्मार्टफोन यहाँ पर हो सकता है। देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है और ये सैमसंग का कौन सा स्मार्टफोन होता है जिसमें आप लोगों को सैमसंग पॉपअप कैमरा देखने दे रहा है। डेफिनेटली एक्साइटमेंट तो है क्योंकि सैमसंग का पहला स्मार्टफोन होगा पॉपअप कैमरा के साथ, तो डेफिनेटली मज़ा तो आएगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि प्राइसिंग सही रखे और अच्छा स्पेस यहाँ पर सैमसंग हमें दे। हालांकि स्पेस नहीं आया है, जब भी आता है मैं आप लोगों को चैनल में अपडेट दे दूंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक ये वीडियो पहुँच जाए और उनको भी पता चल जाए कि भाई सैमसंग एक पॉपअप कैमरा स्मार्टफोन के ऊपर काम कर रहा है और आपको बहुत ही जल्द ये स्मार्टफोन मार्केट में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।